शामली पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह के दो मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पूरा मामला बाबरी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर बीते एक सप्ताह पहले जिलाधिकारी शामली को सूचना मिली थी कि बाबरी थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर में कुछ लोग 1000 रुपए लेकर फर्जी आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। सूचना पर जिलाधिकारी शामली अखिलेश सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएमओ को गांव में जाकर पूरे प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए थे। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले इस गिरोह ने तकरीबन 1 दर्जन गाँव के लोगों को अपना शिकार बनाया था और बीते एक सप्ताह पहले यह गिरोह गाँव में छापेमारी से पहले ही भाग निकला था। वहीं अपने आप को ठगा हुआ जानकर गांव के एक व्यक्ति ने आरोपी युवक के खिलाफ थाना बाबरी में लिखित शिकायत दी थी, जिस पर शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गैंग के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लैपटॉप और फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं। वहीं दो आरोपी युवक अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोनों आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद शामली के थाना बाबरी पे दिनांक 29 जनवरी को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम आदमपुर में कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सीएमओ शामली से इसकी जाँच कराई गई, उसमें पाया गया कि आयुष्मान कार्ड फर्जी है। इस संबंध में 30 जनवरी को थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा गया तथा जो इसमें अज्ञात अभियुक्त थे, पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए उनकी पहचान की गई तथा उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से वो लैपटॉप भी बरामद कर लिया है पुलिस ने, जिसका प्रयोग ये फर्जी आधार कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड बनाने में करते थे। ये दोनों अभियुक्त कन्हैया लाल और जोगेंदर, ये दोनों ऊंचा गाँव थाना कैराना के निवासी हैं। जो इसमें अभियुक्त है कन्हैया लाल, उसने बीकॉम कर रखा है तथा जो दूसरा अभियुक्त है जोगिंदर, उसने 10वीं का पास करके आईटीआई का कोर्स कर रखा है। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में दो अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जो इनके गैंग से संबंधित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।